दोस्तों, आप हैं गुड लिविंग चैनल पे और आपके सामने है ये रात की रानी का प्लांट जो कि मेरे गार्डन में लगा हुआ है। और दोस्तों, इस टाइम इसका फूल आने का टाइम है। वैसे तो ये प्लांट आपके पास सारे साल बना रहेगा, ये एक पेरिनियल प्लांट है, लेकिन पेरिनियल बुशी प्लांट है, एक तरह की बुश बन जाती है इसकी। और दोस्तों, अभी सूरज को निकले थोड़ा सा ही टाइम हुआ है तो इसके थोड़े से फ्लावर बंद होने अभी रह गए थे। तो ये देखिए, इस तरह के इसके फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे से। और रात की रानी इसका नाम है, इंग्लिश में इसका नाम है दोस्तों नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन। तो दोस्तों, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मैं कहूँ अच्छी तो होगी होगी, लेकिन इतनी दूर तक जाती है इसकी फ्रेग्रेंस कि एक ही प्लांट आपके पूरे के पूरे घर को महकाने के लिए काफ़ी है। चाहे आपके वो मिट्टी में लगाओ नीचे या आपके पॉट में लगाओ। तो दोस्तों, ये मेरा पौधा है, मैंने पीछे इसकी सारी मैंने इसको काट भी दिया था क्योंकि ये बढ़ता भी सारा एड्डा टेड्डा सा हो जाता है। ये कोई ब्रांच इधर चली गई, कोई उधर चली गई, तो उस टाइम इस पर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी और इसका मौसम भी नहीं था, इसके पत्ते भी कुछ सूखे सूखे से थे। तो देखिए, ऐसे यहाँ मेरे लगा हुआ है ये गार्डन में और इस तरह से बड़ा हुआ है। पीछे मैंने इसको बिल्कुल पूरा काट दिया था और बस थोड़ी सी ब्रांचें इसकी रह गई थी और मैंने कटिंग काट काट के इसकी लगा दी थी, लेकिन जैसे ही तेज़ धूप पड़ी मेरी वो सारी कटिंग भी ख़राब होगी। पता नहीं एक आधी अब होगी किसी गमले में, तो मैंने देखी तो है नहीं। लेकिन मैंने इसकी प्रूनिंग की थी दोस्तों फरवरी मार्च में की होगी शायद, तभी वो बाहर का मौसम था, मुझे लगा इसकी कटिंग भी अच्छे से चलेंगी और मैंने काट काट के इसकी कटिंग लगा दी थी। लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने के कारण, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और वो सारी मेरी कटिंग ख़राब हो गई। तो दोस्तों, बीज तो मैंने इसका देखा नहीं, ना इस पर कोई फली बनती है। इसका मेथड वो ये कटिंग से काटने का, जो मैंने आपको कई वीडियो में शो करा रखा है कैसे आपने कटिंग लेनी है। यहाँ नोड एरिया के नीचे से गोल कट मार के ऊपर से दो चार नोड छोड़ के एक नोड के ऊपर से आपने 45 डिग्री एंगल पे, या जिसको थोड़ा सा टेढ़ा कट कहते हैं, जिसकी 45 भी समझ में ना आए, तिरछा कट दे के स्केटियर से और आपने अपनी कटिंग तैयार कर लेनी है। और ये मौसम भी अच्छा है क्योंकि दोस्तों कटिंग ऑलमोस्ट उसी समय तैयार करने का टाइम होता है जब वो पौधा अपने पूरे के पूरे ब्लूमिंग पे हो, ना कि वो पौधा हो उस पर पत्तियाँ भी सुंदर हो, उस पर फूल भी आ रहे हो, तब ये समझ लो उसका मौसम है और वो आसानी से कटिंग से आपके पास ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मेरा इस पर वीडियो बनाने का कोई मेरा मकसद भी नहीं था, लेकिन रात को जैसे मैं मेरे हस्बैंड लेट आए तो मैं गेट खोलने गई तो मैंने देखा सारे के सारे एनवायरनमेंट में इसकी खुशबू फैली हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था खुशबू आ कहाँ से रही है, तब मैंने देखा ओहो, मैंने कहा ये तो रात की रानी के फूलों की खुशबू है और ये सारी जो घर को महका रही है ये यही फूल हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर ये पौधा भी नहीं है तो मैं इस वीडियो को दिखाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आपके आस पड़ोस में लगा हुआ हो, इस तरह से आपके आस पड़ोस में। अब इसका फ्लावरिंग का टाइम है, वैसे पत्ते देख के तो आपके समझ में नहीं आएगा ये कौन सा पौधा है, तो इन फ्लावर को देख के आपकी समझ में आ जाएगा कि ये रात की रानी का पौधा है। अब इसकी हल्की हल्की खुशबू आ रही है, लेकिन रात को इसकी खूब सारी आती है क्योंकि इसका नाम ही रात की रानी है। तो अभी इसके फूल सुबह बंद हो जाते हैं, रात को ही खिलते हैं। तो आपके आस पड़ोस में दिखे, कहीं दिखे, आप इसकी एक ब्रांच तोड़ लाएं, काट लाएं और अपने गार्डन में कटिंग से इसको तैयार कर दें और बहुत आसानी से कटिंग से आपके तैयार हो जाएगा क्योंकि अब गर्मियां तो आएंगी नहीं, गर्मियां तो जा चुकी हैं और आपकी जो स्टेम होगी उसका मॉइस्चर भी मतलब रिटेन होगा, तो आपका ये प्लांट आराम से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे इसके फूल होते हैं। अगर आपको पहचान करनी है तो पहचान के लिए मैं दिखा रही हूँ, अगर आपके पास है भी नहीं या तो आप नर्सरी से ले आए, अपने गमले में लगा दें या मिट्टी में लगा दें। तो दोस्तों, हम मानेंगे नहीं, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा इस प्लांट को लगा के। जब आपका घर महकेगा, एक तो प्लांट हम देखने के लिए लगाते हैं भी हमें सुंदर लग रहे हैं, सुबह होगी तो सुंदर लगेंगे,
दोस्तों ये प्लांट देखने में भी इतना सुंदर है और इस जैसे हम फूलों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी और बढ़िया खुशबू आए, तो दोस्तों वही इसकी बात है। बल्कि गुलाब की भी खुशबू आपको तब आएगी तब आप उसके पास जाओगे, लेकिन इस पौधे की खुशबू इतनी तेज है कि आपका सारा का सारा घर एक ही प्लांट से पूरा का पूरा महक जाएगा। कि जैसे कोई आपने बहुत सारी अगरबत्तियां जला रखी हो या सेंट छिड़क रखा हो सारे घर में, ऐसी खुशबू है इसकी। तो दोस्तों मैंने फूल आपको दिखा दिए हैं, इसका लगाने का तरीका वही है, काट के लगा दें, आस पड़ोस में आप देख लें या किसी के घर गए हुए हो तो वहां से एक डंडी ले आए और अपने स्केटिये से काट के और इसकी डंडियां अपनी छाया में अपनी शेड में आप तैयार कर दें। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में शो करा रखा है कैसे आपने स्टेम कटिंग से किसी भी प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है। तो दोस्तों इसका बीज वगैरह कुछ नहीं होता, इसकी स्टेम से ही ग्रोथ स्टार्ट होती है और बहुत इजीली आपकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मौसम भी बारिश के बाद का बहुत अच्छा मौसम है। और दोस्तों सारे साल रहने वाला प्लांट है ये, कोई एनुअल प्लांट नहीं है कि आपने अब लगाया तो ख़त्म हो जाएगा। ये प्लांट आपके पास ये सारे साल रहेगा, लेकिन जैसे ही खट्टा मीठा मौसम आता है, जैसे कि ना सर्दी ना गर्मी, जैसे अब मौसम चल रहा है ना, इसमें इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो खैर अभी काफ़ी टाइम तक रहेंगे ये, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेंगी यहाँ, और ऐसा सुंदर सा मौसम बारिश के बाद का जो होता है यहाँ हरियाणा में रहता ही है। और ये फूल ऐसे ही खिलते रहेंगे और सारा का सारा जो घर है वो इन फूलों से महक जाएगा। तो दोस्तों चाहे आपका मन करे आप इसको पोट में लगाओ, चाहे आपका मन करे मिट्टी में लगाओ, बहुत हार्डी प्लांट है ये। भले ही कितनी देखो मेरा बिल्कुल जहाँ बिल्कुल तेज धूप आती है ना वहाँ गार्डन में लगा हुआ है, लेकिन हर प्लांट की एक सीमा होती है धूप को भी बर्दाश्त करने की। तो मैं प्लांटों को इस तरीके से लगाती हूँ कि आपस में मिक्स करके लगाती हूँ ताकि एक दूसरे का साथ पाके, एक दूसरे के साथ से वो खराब ना हो, वो सूखे ना और उनका मॉइस्चर भी ज़्यादा लॉस ना हो। भले ही कितनी सूरज की रोशनी पड़े तो आपस में वो मिलजुल के खुश रहें और आप प्रॉपरली उनको पानी दें तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। और किचन गार्डन की वेस्ट से मैंने आपको खाद बनाना तो सिखा ही रखा है, वो अपने प्लांटों में डालते रहें बना बना के। तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना आपने इस प्लांट के साथ, ये आपको अपने आप ही सुंदर सुंदर फूल देगा अच्छे मौसम में, बाहर के मौसम में, और आपके घर को बहुत अच्छे से महका देगा। तो चलते चलते मैं आपको और भी कुछ दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखो मैंने ओलियंडर की कटिंग लगाई थी, इस गमले में मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी। देखो पर्पल हार्ट की भी लगाई थी और ये मैक्सिकन पेटूनिया की लगाई थी। एक मैक्सिकन पेटूनिया इसमें पिंक कलर का है, तो मैंने पता नहीं व्हाइट की या पर्पल की कटिंग मिक्स करके लगाई थी। इसमें व्हाइट भी है पर्पल भी है दोनों, ताकि तीनों प्लांट बड़े होके सुंदर से लगेंगे। और ये है आपकी उसकी क्या बोलते हैं इसको, गुलदाउदी की है शायद, पता नहीं गलती होगी हो तो माफ़ करना, मेरे ख्याल से तो वही है। तो मैंने कई सारी कटिंग लगाई थी इसमें। और ये देख रहे हैं आप, यूफोर्बिया मिली की भी है, जेड प्लांट की भी है, देखो सारी अच्छे से चल गई है। ये घास फूस निकले आपके गमलों में से निकालते रहा करें, बस देखो चल गई ना सारी। ये आपको एनकरेज करने के लिए है, तो आप भी ऐसी कटिंग लगाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।